नमस्कार, स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। हसनपुर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते नवजात बच्चे की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने अस्पताल पर ताला जड़ा और जमकर हंगामा किया। मामला होटल क्षेत्र के हसनपुर का है। आपको बता दें, रामगढ़ निवासी जिले सिंह की पत्नी संजू को प्रसव पीड़ा हुई तो वह उसे रात करीब 12 बजे हसनपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचा, लेकिन यहां किसी ने दरवाजा नहीं खोला और महिला प्रसव पीड़ा से तड़पती रही। आखिर उसने पुलिस के पास भी फोन किया, लेकिन पुलिस ने भी उसकी इस बारे में कोई मदद नहीं की। थक हार कर वह अपनी पत्नी को होटल लेकर जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी पत्नी ने बच्चे को जन्म दे दिया। लेकिन जब वो नवजात को लेकर एक निजी अस्पताल में पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पीड़ित का कहना है कि अगर हसनपुर अस्पताल में डॉक्टर दरवाजा खोल देते तो उसका बच्चा नहीं मरता। उसने सरकारी अस्पताल के डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा दिया। होटल से स्टेट न्यूज हरियाणा के लिए रतन सिंह की रिपोर्ट। भैया, क्या नाम है आपका? जिले सिंह। कौन से गांव के रहने वाले? रामगढ़ से। और ये क्या हुआ आपके साथ? सर जी, मैं 12 बजे मेरे घरवाले के दर्द बने थे बच्चे के, तो मैं उसे उसने मेरे को जगाया। उसने बोला ऐसे बात है, बच्चे होने वाला है, तो मैं वहाँ से उसे लेकर चला घर से। पीछे एम्बुलेंस खड़ी थी, उसके पास गया मैंने, भाई साहब, उसने कोई जवाब नहीं दिया। एम्बुलेंस वाले के पास फिर फोन किया तो उसका फोन जा रहा था आउट ऑफ कवरेज एरिया। फिर वहाँ से मैं थाने गया वापसी में, थाने वाले ने बोला कि भाई साहब ऐसा करो, एक बार दोबारा जाओ, फिर कोशिश करो, फिर गेट को खटखटाओ। फिर दोबारा गेट खटखटाएं, कोई नहीं जगा। फिर एम्बुलेंस वाले पास गए, कोई नहीं जगा। पड़ोसियों को जगाया, पड़ोसी भी नहीं जगे। भाई साहब जो साइड में, मैंने उनसे पूछ लूँ, भाई देख लो कोई जग नहीं रहा है। फिर थाने गया हूँ, थाने वाले ने बोला कि सर लो मैं फ़ोन करता हूँ। उन्होंने 100 नंबर फ़ोन किया है तो वो बोले कि आपका थाना हॉस्पिटल से थाना कितनी दूर पड़ता है। बोला 100 एस पड़ता है, 300-400 किलोमीटर। क्या नाम बताया अपना? कौन सा गांव? नाम जिले सिंह, गांव रामगढ़। ये बच्चा क्या हुआ है? बच्चा जी डिलीवरी के समय नहीं गया। लड़का लड़की है? लड़का है जी। हॉस्पिटल में आपको कोई नहीं मिला? कोई नहीं मिला जी। किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली? कोई मदद नहीं मिली जी। मैं फिर पुलिस वालों के पास गया, उन्होंने भी इतनी मदद की कि आप कैसे करो और इसे होटल लेके जाओ। सर ने बोला कि तुम तुरंत जाओ। मैं इनकी बात सुनकर यहाँ से गया तो ऐसा ही हालत घनी खराब थी, तो मैं ले ना जा पाया, मैं घर तक ना पहुँचे, तो बच्चा डिलीवरी रास्ते में होगी। फिर मैं उसे घर पर छोड़ के बच्चों को लेकर सीधा होटल गया हूँ। वहाँ से डॉक्टर सलाह ली, उसने इंजेक्शन जैसे लड़के के घाव है अभी, उन्होंने चेक किया दिल पे कोई धड़कन वड़कन वगैरह, तो बोला भाई खत्म हो गया। वहाँ से आया हूँ मैं सीधा, तो सीधा मैं फिर भी थाने आता, फिर मैंने गांव बस्ती के लोग इकट्ठे किए हैं, उन्होंने जोड़ के इकट्ठे अस्पताल पर आया हूँ मैं। तो ये अस्पताल पर ताला नहीं खुलने दे रहे? ताला मैंने लगाया जी, मुझे इंसाफ के लिए। तो कोई सुनवाई हुई आपकी? अभी कुछ नहीं हुआ जी, ना तो कोई अभी अधिकारी आया, और कोई आया भी है तो वो करे पहले ताला खोलने दो, पहले अंदर जाओ, हर चीज़ का समाधान मिलेगा जी। ताला ऐसे नहीं खुलेगा जब तक मेरी बात का समाधान नहीं होगा। सर, मुझे बच्चे को लाए हुए कम से कम लगभग 3-3.5 घंटा हो गए यहाँ पर, तब से मैं बच्चे को गोदी में ले बैठा हूँ। किसने भी यही किया, बच्चे को नीचे बैठा दिया, इस पर लेटा दिया, डॉक्टर साहब आपको बच्चा पैसे गोदी में लेकर बैठा रहा हूँ। हाँ, डॉक्टर भी आए हैं, तहसीलदार साहब, मतलब कोई भी है, किसने कहा कि हमारे बच्चे को कैसे रखो जी, ऐसी जगह पर रख दो या भाई ऐसे लेकर मत बैठो या कहीं कुछ नहीं, मैं गोदी में लेकर बैठा हूँ और ऐसे आप लोग देख रहे हो।